दीपम ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरे पापम माता दीपम नमस्ते ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युरो मां अमृतम गमय जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी है उनकी स्मृति में आज एक विशेष बात और है। आज ये सर्वमित्र अमावस्या है और इसके आज के दिन हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों का सम्मान करना, उनका स्मरण करना, उनके नाम पे तर्पण करना, भोजन कराना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दो विशेष बातें इस यात्रा के संदर्भ में, एक तो स्थान जहाँ से यात्रा प्रारंभ हो रही है राष्ट्रीय स्मारक और दूसरा आज का जो दिन है अमावस्या का। हमारे देश की जो आजादी आप सब जानते हैं कि अंडमान का उसमें बहुत विशेष भूमिका रही। 1858 से लेकर के 1947 तक लगभग 100 वर्षों तक इस अंडमान ने इस देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई और विशेषकर हमारे जो हिंदू समाज है उसके लिए भी बड़े गर्व की बात है कि सावरकर जैसे लोग यहाँ आए, 50 साल की जेल की सजा लेकर के आए और इस जेल में रहे। हम लोगों ने भी उनसे प्रेरणा लेकर के उनके जीवन को अपना आदर्श मान करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबने मिलकर कार्य करना चाहिए। समय की आवश्यकता है, अभी ये समय है तो हमारा समाज जागे, हिंदू समाज में चेतना हो, हम अपने संस्कारों को, अपने वैल्यूज को, अपने संस्कृति को उसका हम सम्मान करें, मिलकर के रहें और सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर के कार्य करें। इस शौर्य यात्रा के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अचानक वरुण देवता प्रसन्न हो गए, ऐसे किसी भी कार्यक्रम में बारिश का आना शुभ माना जाता है। जय माता की, जय माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। बारिश का आना जो है वो हम सबके लिए शुभ है। वरुण देवता बहुत प्रसन्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो और समाज का, धर्म का, देश का काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। शुभकामनाओं के साथ, विचारों के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। काम करी पुओं को आक्राम करी पुओं को तूने नाश किया सब मिलकर जो संकल्प
बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज हम लोग 14 तारीख को सौर्य जागरण यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं, जो इस सेलुलर जेल से शुरू होकर छोलदारी तक ये यात्रा जाएगी। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग सौर्य जागरण यात्रा कर रहे हैं। यहाँ हमारा वक्तव्य में ही हम लोग ने लिखा है, ये क्षण क्षण रण है और जीवन अर्पण है। तो इसी को हम लोग मानते हुए अपने इस भारतवर्ष की रक्षा करते हुए हमारे जितने ही वीर बलिदान हो गए हैं, देश के लिए समर्पित हुए हैं, वीर सावरकर जी इस जेल में जो पहले ऐसे कैदी थे जिनको दो बार फांसी की सज़ा मिली थी, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो बार यहाँ पे फांसी की सज़ा मिला, उम्र कैद मिला, वैसे व्यक्ति को हम नमन करते हैं। और उनके साथ साथ देश में जितने भी शहीद हुए हैं, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, महाराणा प्रताप, शिवाजी, बहुत सारे ऐसे हमारे वीर और वीरांगनाएं हैं जो उसको हम लोग विश्व हिंदू परिषद और यहाँ के अंडमान निकोबार हमारे द्वीप के सभी हिंदू संगठन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। ये यात्रा हम लोग जो विश्व हिंदू परिषद के बैनर में यहाँ पे पूरे द्वीपों में किया जा रहा है, इस तरह का यात्रा पूरे भारतवर्ष में हर जगह, हर गली, हर स्थान पे किया जा रहा है। ये हमारे जो वीर बलिदान हुए हैं, जो देश के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दिए हैं, उनके याद में इस पितृपक्ष के आज 14 तारीख अमावस्या के दिन हम लोग सौर्य जागरण यात्रा करने जा रहे हैं। और उनके याद में ये पूरा सनातनी कर्मठ हिंदू भाई बहन, माता बहनें और बुजुर्ग आदमी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये पूरा का पूरा सभी का मन में देशभक्ति प्रेम के साथ साथ, समर्पण भावना के साथ साथ हम लोग सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में सभी तरह के लोग हैं। इसमें हमारे पास जो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं स्वागत भी करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे बीच उपस्थित मीडियाकर्मी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जिनका लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी योगदान है। यहाँ पे जितने भी अपने हिंदू कार्यकर्ता हैं, कर्मठ हिंदू भाई बहन हैं, अपने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, हमारे विचार परिवार के जितने पदाधिकारीगण हैं और जितने भी हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ता हैं, ये पूरा द्वीपों के जितने भी यहाँ पे हमारे सभी सनातनी या कर्मठ हिंदू भाई बहन हैं, मैं सभी को स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और इस जागरण को भव्य रूप में करने के लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम को हम लोग आगे करते हैं। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय अमर रहे वीर सावरकर जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे वीर सावरकर जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
हिंदुस्तान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।